हेलो बच्चों, आज हम ए की मात्रा सीखेंगे। ए से क्या होता है? एड़ी। ठीक है, तो ए की मात्रा जो होती है किसी भी वर्ण के ऊपर एक इस तरह की मात्रा के रूप में आती है। अब इन मात्राओं से बने शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है? जैसे क के ऊपर ए तो बना के, ख के ऊपर ए तो खे, ग पे ए गे, घ पे ए घे, आगे चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे, क्षे, त्रे और व्यय। ये हमने देखा कि जब व्यंजनों के ऊपर ए की मात्रा लगाई जाती है तो उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। अब हम इससे बनने वाले अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे क पे ए के ला, क्या बना? के ला। ह थ पे ए ह थे ली, हथेली। र ए ल, रेल। ख ए खेत, खेत। गण ए गणेश, गणेश। न रे श, नरेश। जले बी, जलेबी। पहेली, पहेली। ठेला, ठेला। तेल, तेल। भेड़, भेड़। जेल, जेल। बेर, बेर। मले, या, मलेरिया। घरेलू, घरेलू। ठीक है, इस तरीके से आपको इन शब्दों को पढ़ना सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। नरेश, नरेश। महेश, महेश। और, और। सुरेश, सुरेश। मेले, मेले। मैं गए, गए। गणेश, गणेश। सेब, सेब। खा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी वर्ड्स पढ़ने हैं।